राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। गहलोत ने कांग्रेस की जीत का किया दावा तो बीजेपी पर साधा निशाना। अलवर लोकसभा उपचुनाव के मतदान के बाद बीजेपी कांग्रेस में सरगर्मियां तेज। पार्टियों के कार्यकर्ता जीत के समीकरण पर चर्चा करते नजर आए। दोनों पार्टियां कर रही जीत का दावा। राजसमंद में बेरहम पिता ने बच्चों को रस्सी से बांधकर की जोरदार पिटाई। मामले का हुआ वीडियो वायरल। राज्य बाल अधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान। कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश। राजस्थान के 6000 संविदा नर्सेस ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर किया प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग। 2 फरवरी को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। शहीद दिवस आज। महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि पर देश ने किया नमन। राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लकी जगबानी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत का स्वागत किया तो वहीं राजपूत समाज के लोगों ने भी गहलोत को साफा पहनाया और तलवार भेंट की। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ की सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। धोखा दिया, मैं उसको धोखा कहूंगा, क्योंकि 163 सीटें जीताई जनता ने उनको, एक तरफा बहुमत दिया। उसके बाद में जनता सोच रही हमारा कसूर क्या है कि आपने 4 साल तक हमें हमारी पूछ नहीं करी, पूछा नहीं, सब इसके में बंद कर दी। बड़ी बड़ी योजनाएं जो थी, ऑर्बन डैम वाला था आपके यहाँ पर, रिफाइनरी थी वहाँ पचपरा बाड़मेर में, मेट्रो थी जयपुर में, कोच फैक्ट्री थी भीलवाड़ा में, ब्रॉडगेज थी बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम का, वो क्यों बंद किएगा। अलवर लोकसभा उपचुनाव के मतदान के बाद चुनाव जीतने को लेकर दोनों ही दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जीत के समीकरण के बारे में चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता 3 सीटों पर बहुमत से जीत की बात कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के जीत का दावा कर रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है और आज सभी बड़े नेता रिलैक्स मोड में भी हैं। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के साथ। उस पर जानेंगे कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा, 1 महीने का शेड्यूल क्या रहा और आज जब मतदान हो चुका है तो कितना फील उनको आ रहा है। जी, कल का जो मतदान रहा है उसमें देखा गया कि जनता ने बिल्कुल एक तरफा वोटिंग करी है और ऐतिहासिक जीत अलवर के अंदर होने वाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अलवर की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहूँगा। पिछला 1 महीना बहुत लोगों ने रात और दिन मेहनत करी है और एक तरह से परिवार को छोड़कर, कभी खाने को छोड़कर, कभी वो घर भी नहीं पहुंच पाए, रातों रात उनने मेहनत करी है और माहौल आप देख ही रहे हैं पोलिंग बूथों के ऊपर, जो कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ ही 2-2, 3-3 बजे बाद उठा के ले गए थे क्योंकि उनके पास कोई वोट ही नहीं आ रहे थे। सर, अलवर में बहुत कम मतदान हुआ है, शहर में खासतौर पर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शहर का क्या है, अर्बन क्षेत्रों के अंदर थोड़ा मतदान कम ही रहता है लेकिन फिर भी मतदान ठीक हुआ है और अलवर शहर से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। तो ये थे भंवर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि वास्तव में जो मेहनत हुई है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर कांग्रेस दर्ज करेगी और एक अच्छा माहौल, न्यूज इंडिया ने अच्छी कवरेज, स्वस्थ कवरेज दे करके
गांव गांव ढानी ढानी जाकर के कवरेज दिया है। एक बहुत सही काम एक पत्रकारिता के माध्यम से किया गया है। अलवर से न्यूज इंडिया के लिए हेमंत। अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ उपचुनाव के चुनाव परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि तीनों सीटों पर मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त थी। उपचुनाव का रिजल्ट निश्चित रूप से राजस्थान में तीनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। हमारी अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है, भारी मतदान हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को और अमित शाह को अपना स्टार प्रचारक बनाया था, पर वो इसलिए रैली में शामिल नहीं हुए प्रचार में कि उनके पास ये खबरें थी कि कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान की अलवर और अजमेर लोकसभा सहित मांडलगढ़ विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हर बार उपचुनावों में जनता का मतदान के प्रति रुझान कम रहता है। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान 1-2% ही कम रहा, इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। वहीं राजसमंद जिले में बच्चों से मारपीट के वायरल हो रहे एक वीडियो की बात पर कटारिया ने कहा कि इस विषय की जानकारी मीडिया से मिली है, इस विषय की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं सोचता हूँ विषय की पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत टीवी पर जरूर देखा है, लेकिन विषय की सारी जानकारी के बाद ही कोई अधिकृत रूप से बात की जाए। कल वोटिंग हुई है तीनों, उस पे शहरी जो क्षेत्र है क्या होता है कि बाई इलेक्शन में हमेशा वोटिंग परसेंटेज जनरल इलेक्शन से कम होती है, ये आज की नहीं हमेशा से पड़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, 2-3% किसी में, 1% किसी 1.5%। तो मैं सोचता हूँ कि जनता ने जो सामान्यतः वोट डालने की आदत है उसी के कंपेरिजन में अपने मतों का प्रयोग किया है और 1 तारीख को परिणाम भी आपके और हमारे सबके सामने। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले 2 दिनों से जवाहर कला केंद्र में समय व्यतीत कर रही है। मुख्यमंत्री राजे ने JKK में आयोजित वेन इस स्पेस एग्जीबिशन का विजिट किया। वहां सीएम राजे ने JKK के अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा सिंह के साथ लगभग 1.5 घंटे तक विचार विमर्श किया। राजस्थान के बालोतरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले नहीं थम रहे। वन विभाग की उदासीनता के चलते मोर का शिकार लगातार हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने रेकी करके मोर के शिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उपखंड के गांव सीनली जागिर में पिछले 2 दिन से मोरों को मारने की घटनाएं हो रही थी। ग्रामीणों को शक हुआ तो एक शिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकारी के पास बोरे में 3-4 मोर मृत पाए गए। घायल मिले 2-3 मोरों का इलाज चल रहा है। मोर के शिकारी को नाकोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बापूनगर के मोती पार्क शिरडी साई बाबा मंदिर में 1 फरवरी को मूर्ति स्थापना की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मंदिर के व्यवस्थापक संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को बाबा के मंदिर को फूलों की विशेष झांकी सजाई जाएगी, जिसके बाद शाम 6 बजे साई बाबा की भव्य पालकी सजाई जाएगी, जो जेलन मार्ग और टोंक रोड से होते हुए पुनः साईं धाम पहुंचेगी। वहीं 2 फरवरी को सामूहिक अभिषेक के बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा साईं भजनों पर लोक प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे साईं धाम मोती पार्क बापूनगर का हम लोग 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं और बाबा की कृपा से जिस प्रकार निरंतरता 11 साल से चली आ रही है वही आज हम लोग आज भी भक्तों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से कायम रखे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे 1 तारीख को, जिसमें सुबह 9 बजे हवन का आयोजन किया जाएगा। सभी साईं भक्तों, सभी भक्तों द्वारा हवन में विशेष विष्णु सहस्रनाम और मंत्रों द्वारा आहुति दी जाएगी विभिन्न मंत्रों द्वारा। राजस्थान PCPNDT सेल ने गुजरात के लूनावाड़ा स्थित भगत अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच करते डॉक्टर और नर्स को दलाल सहित गिरफ्तार किया। वहीं टीम ने रजिस्टर्ड सोनोग्राफी मशीन और 20,000 रुपए की डिकाय राशि भी जब्त की।
पीसीपी एंड डीटी सेल ने 24 घंटे के अंदर बांसवाड़ा और गुजरात में लगातार दो कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के आसमा हॉस्पिटल के संचालक और चिकित्सक को भ्रूण लिंग जांच के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमारे जो वहाँ इन्फॉर्मर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बांसवाड़ा में केवल एक जो रजिस्टर्ड सेंटर है वो भी कर रहा है, और इवन कुछ लोग गुजरात बॉर्डर पे एक सेंटर है गुजरात में, वहां पर भी लोग जा रहे हैं। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि दोनों ऑपरेशन एक साथ एक ही दिन में किए जाएंगे, क्योंकि यदि एक ऑपरेशन होता है तो दूसरे व्यक्ति को बचने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए हमारी टीम लगभग चार दिन पहले यहां से रवाना हुई और दो तीन दिन उन्होंने पूरी स्थिति को देखा समझा, और जब यह देखा कि रजिस्टर्ड सेंटर पे बिना दलाल के सीधे डॉक्टर साहब ही करने को तैयार हैं, तो बांसवाड़ा वाले सेंटर पे हम लोगों ने कल रात वहां पर कार्रवाई कर दी। और उस कार्रवाई में हमने सेंटर के संचालक और जो हमारे वहां पे जो एमडी गायनी एक डॉक्टर थे उनको गिरफ्तार किया। उसके वहीं राजस्थान वित्त विभाग ने 2013 में स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला सहायक की 2348 की भर्ती निकाली थी, जिसमें से 600 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की गई, लेकिन 1500 से ज्यादा पद पिछले चार साल से रिक्त पड़े हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी सहायक स्वास्थ्य भवन के पिछले एक साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला तक नहीं। यहां तक कि सरकार ने रिक्त पदों पर अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी ही नहीं की, जिससे कार्मिकों में आक्रोश है। अगर इनके रिक्त पद नहीं भरे जाते तो सभी सहायक आमरण अनशन पर चले जाएंगे। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी। फिलहाल यहां रुकते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई, जहां महात्मा गांधी से जुड़े कामों पर वक्ताओं ने व्याख्यान दिए। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष गोपाल सिंह इड़वा, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश ने शहीद दिवस पर मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया और उनकी शहादत को नमन किया। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी विशेष आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राजधानी जयपुर स्थित सचिवालय में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और मुख्य सचिव एनसी गोयल सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बापू के प्रिय भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही दो मिनट का मौन रखकर उनका पुण्य स्मरण किया गया। बलिदान को संपूर्ण देश पर आजादी के लिए बलिदान होने वाले लोग को भी स्मरण करते हुए ये श्रद्धांजलि देता है। तो वो दिखाऊंगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने सर्वसाधारण को अपने साथ लेने की अटूट क्षमता थी, जो कुछ कहा वो पहले करके लोगों के सामने सबूत रखा, और उसके कारण से इस देश की आजादी में जिस ढंग से जनबल को उन्होंने अपने साथ लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम था कि देश स्वाधीन भी हुआ और देश के सामने एक नई सोच पैदा हुई कि जो कुछ कहना। राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से 22 जनवरी से महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न शहरों में सम्मेलन, भामाशाह सम्मान, युवा सम्मेलन, संगोष्ठी और संस्कृत प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का समापन 31 जनवरी को महाकवि माघ की जन्मस्थली जालौर के भीनमाल में आयोजित होगा। कार्यक्रम के तहत जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर संभागीय संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में राजस्थान प्रदेश अग्रणी प्रदेश है। पूरे देश में सर्वाधिक संस्कृत के शिक्षक राजस्थान से पूरे देश में सप्लाई होते हैं, और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से संस्कृत
अकेडमी है, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है और राजस्थान का प्रथम संस्कृत शिक्षा निदेशालय है। तो इतनी गतिविधियां सरकार की ओर से संचालित है। अभी अभी सरकार ने निर्णय लिया था, इसी सरकार ने, कि ये माघ महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो इस माघ महोत्सव का समापन जो है कल भीनमाल के जो हमारे माघ थे उनकी जन्मस्थली और जिला मुख्यालय जो सिरोही है वहाँ पर इसका समापन समारोह है आयोजित होना है। आज यहाँ पर जो है संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन जो संस्कृत संभाग है और संभाग की जो वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनको संस्कृत में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का। जयपुर के चौमू कस्बे के मोरिजा रोड स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में नए कक्षा कक्ष का शिलान्यास किया गया। कक्ष का निर्माण करीब 10 लाख रुपए की लागत से होगा, जिसका शिलान्यास विधायक रामलाल शर्मा ने किया। इस दौरान नगरपालिका मंडल अध्यक्ष बजरंग लाल सोनी, जिला संयोजक महेश रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने करीब 300 स्कूली छात्राओं एवं बच्चों को बिना भोजन किए ही मायूस होकर अपने स्कूलों में घरों को लौटना पड़ा, जबकि करीब 6 घंटे से लगातार कार्यक्रम में भाग ले रही और करीब 3 किलोमीटर रैली में पैदल चल रही छात्राओं को नाम मात्र का नाश्ता कार्यक्रम के बीच में दिया गया। इसके विपरीत अधिकारियों ने शाही लंच का आनंद उठाया। एक और जहां चित्तौड़गढ़ जिले में उड़ान और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं के साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद किए गए भेदभाव के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री, जन प्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी यहां से नागरिकों द्वारा अवगत करा दिया गया ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सवाईमाधोपुर के शहीद कैप्टन रिपु दमन महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा सहित कई राज्यों के शिक्षाविदों ने शिरकत की। राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्तमान परिदृश्यता और चुनौतियों को लेकर मानवाधिकार विषय पर चर्चा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में बच्चों में संस्कार कहीं खो से गए हैं, बच्चों में नैतिकता का पतन हो रहा है, इसी के चलते बच्चे आपराधिक परिवृत्ति में लिप्त हो रहे हैं। जो संगोष्ठी आज है ये एक नवाचार है, एक प्रयास है। मैं जिन लोगों ने ये संयोजित किया है कार्यक्रम और सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इससे जो व्यवहारिकता है अधिकारों के साथ में, जो कर्तव्यों का एक धागे में फूल और एक माला के लिए धागा और फूल दोनों इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ये एक प्रयास है। मुझे लगता है नई जागरूकता लाएगा। राजसंबंध वाले केस के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसमें हम अपना प्रसंज्ञान भी ले चुके हैं और एसपी साहब से बात हो चुकी है और इस बारे में सीडब्ल्यूसी जो चेयरपर्सन है उनसे हमारी बात हो चुकी है और लगातार हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसका अफसोस हमको है, क्योंकि बच्चों की ये जो उम्र होती है वो अपने आप खेलती है, अपने आप बच्चे ब्लॉसम होते हैं, उनकी समझाइश की जाती है लेकिन उन पर चीज़ों को थोपा नहीं जा सकता। उनकी नन्ही आंखों से वो दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, उनको इस तरीके से मारना बहुत ही गलत है। इससे पूरे जीवन भर का जो उनका जीवन की जो शैली है वो ही बदल जाएगी और वो एक दबे और भयभीत बच्चे के रूप में। करौली के गुलर घटा गांव में उप जिला कलेक्टर राम अवतार कुमावत ने ग्रामीणों से जन सुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित कई समस्याओं से रूबरू होकर अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों से गांव के मुख्य रास्ते का निर्माण कराने और अन्य सड़कों के लिए निर्माण के लिए एस्टिमेट तैयार करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने इस दौरान विद्यालय का निरीक्षण भी किया और शिक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सवाईमाधोपुर विधायक दिया कुमारी का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिवस अवसर पर गौशालाओं में गौमाता को चारा खिलाया। इसके अतिरिक्त सामान्य चिकित्सालय परिसर में समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल अजीज कादरी साहब, विधायक महोदय के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाने का निर्णय लिया और सवेरे 8:30 बजे से शहर स्थित गौशाला, उसके बाद माधव गौशाला, सभी गौशालाओं के अंदर सेवा कार्य किया गया, गायों को चारा खिलाया गया। उसके बाद सामान्य चिकित्सालय परिसर में सफाई अभियान चलाकर पूरे परिसर को साफ किया गया और अभी कुछ दिन पूर्व बनास में जो बस दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के अंदर जो हॉस्पिटल प्रशासन और अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया, उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ सम्मानित किया। इसी के साथ ही महरो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।